आईपीएल 2022 के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रचा इतिहास। पहले मुकाबले में सरेस अयर भारी पड़े रविंद्र जडेजा पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आईपीएल 2022 की शानदार शुरुआत की है। तो वहीं पर डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला ही मुकाबला हार गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को हारी है, पूरी हाईलाइट बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज के इस मुकाबले की। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला खेला गया, जहाँ पर टॉस जीता कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान सरेस अयर ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का पहला विकेट काफ़ी जल्दी गिर गया। इसके बाद लगातार चेन्नई सुपर किंग्स अपने विकेट गंवाती रही। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पहला विकेट 2 रनों के स्कोर पर गंवा दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ अपना खाता भी नहीं खोल पाए, वो 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर उमेश यादव का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा विकेट सिर्फ 28 रनों के स्कोर पर डेविन कॉनवे के रूप में गिरा। डेविन कॉनवे 8 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना पाए। इसके बाद रॉबिन उथप्पा और अम्बाती रायडू ने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन रॉबिन उथप्पा जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 21 गेंदों पर 28 रन बनाकर वो भी वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रॉबिन उथप्पा ने 21 गेंदों पर 28 रन बनाए। इसके बाद अम्बाती रायडू भी 15 रन बनाकर रनआउट हो गए, लेकिन इसके बाद शिवम दुबे भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन एक समय टीम जहाँ 10.5 ओवर में 61 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान रविंद्र जडेजा तो ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली, जिसके चलते स्कोर 131 रनों तक पहुँचा। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी हुई। तो वहीं पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जहां 34 गेंदों पर 44 रन बनाए, तो वहीं पर वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों पर 16 रन बनाए। वहीं पर इसके अलावा नीतीश राणा 21, सेम बिलिंग्स 25 और सरेस अय्यर ने नाबाद 20 रनों की पारी खेली और इस मुकाबले को शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 18.3 ओवर में ही जीत लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे ने की, जिन्होंने 44 रनों की पारी खेली। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी डीजे बराओ ने की। डीजे बराओ ने 4 ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त की 20 रन देकर। तो वहीं पर मिचेल सेंटनर को भी 1 सफलता मिली। लेकिन इस मुकाबले में सबसे अच्छी बात रही महेंद्र सिंह धोनी का अर्धशतक, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उनके बल्ले से ऐसी पारी देखने को मिली। तो दोस्तों, इस मुकाबले में आपका सबसे बेहतरीन परफॉर्मर कौन रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।